नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी उर्फ कलमकारी अपनी कविता राम, इसका प्रथम भाग मैंने आपको सुनाया था अपनी पुस्तक करवटी से, उसके दूसरे भाग को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। दूसरे भाग का नाम है भरत उर्मिला और मेरी प्रिय कैकेयी। चले वनवास को राम लक्ष्मण जानकी, दशरथ ने आहुति दे ही दी देखो स्वयं के प्राण की। ढोल बजने बंद और सब नगर शोकाकुल हुआ, काल भी प्रारब्ध पर अपने ही हाँ व्याकुल हुआ। जहाँ देखो वहाँ नव ही विरह ध्वनि थी बज रही, कौन कह सकता था यह नगरी थी कल तक सज रही। मानुषों का कौन बोले, पक्षी पशु तक रो रहे, द्रुम तरु क्या विटप पादप वियोग में सब खो रहे। वैधव्य दंश झेलती कौसुमी कैकेयी खड़ी, लकन छोड़ कर गए उर्मिला पर बन पड़ी। इतिहास भूल जाएगा ये नियति का संयोग है, उर्मिला के करों में लिखा तो बस वियोग है। उर्मिला ना चीखती उर्मिला ना बोलती, राम के हर नाम में बस लखन को है खोजती। और वो है चाहती पूछे वो उस कैकेयी से, क्या मिला क्या हुआ उस पापिन के खेले खेल से। उर्मिला के त्याग को किसने सुना किसने लिखा, जनक सुता है और भी किसने लिखा किसको पता। क्या त्याग है क्या प्रेम है, सौंदर्य की झनकार है, उर्मिला एक ज्योत है उर्मिला संसार है। उर्मिला अवसाद की एक है अनूठी कथा सी, विरह अग्नि में झुलसती अनबुझी एक व्यथा सी। उर्मिला से कह चले लाखन अवध अब तुम्हारा, उर्मिला से कह चले लाखन अवध अब तुम्हारा, मन से तन से राम का और धन बचा वो तुम्हारा। मकरंद सारा ले गया जैसे भ्रमर हो पुष्प से, और कहता जाए ये उद्यान सारा तुम्हारा। काल की है गति समाया अवध जैसे श्राप सा, याद जैसे दिलाता भूले हुए किसी पाप का। और देखो दूर से है पता का फहरा रही, लग रहा है भरत भ्राता की सवारी आ रही। संस्कार को पिता के अग्नि पाठ जो होती, नियति नव घटनाक्रमों को नया मोहरा टोहती। भरत देख चौंकते ये काले माँ क्या छाई है, अवध की चौखट पे क्या ये अशुभ घड़ी आई है। पूछते कैकेयी से माँ श्वेत वस्त्र किस लिए, बिन डरे सब कुछ कहो ये अस्त्र मेरे किस लिए। क्या हुआ है कहाँ मेरे पिता क्यों ये शोक है, राम के रहते किशोक का कुल बड़ा ये लोक है। राम प्रेम ले चला तेरे पिता को स्वर्ग में, राम प्रेम ले चला तेरे पिता को स्वर्ग में, कामनाएं बाधिकाएं हैं सदा अपवर्ग में। राम वनवासी हुआ अब पग में ना कोई रोध है, तू बनेगा अवधपति क्या तुझे इसका बोध है। बोलती कैकेयी मांगे वर्थे मैंने जानकर, क्या पता था बन पड़ेंगे वो पति के प्राण पर। आलाल 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 मेरे भरत अब तू मोह ना कर स्वजन का, विध्वंस सारा हो गया अब समय है ये सृजन का। भरत का तो रक्त जैसे जम गया, और समय जैसे जहाँ था वहीं वैसे थम गया। विश्वास की जो नींव थी आघात उस पर कर दिया, हाय कैकेयी अभागी तूने ये क्या कर दिया। आज से माता नहीं तू आज से भक्ति नहीं, मुझको डिगा दे प्रण से मेरे ऐसी है शक्ति नहीं। सौम्य रूपों में छुपी साक्षात कलुष कालिनी, देख कर ही मृत्यु आ जाए जो ऐसी नागिनी। राक्षसी तू चंडिका तू काल का अवतार तू, भरत माता नाम की तू अवध की संहार तू। तू ही है यमदूतनी तू ही नरक का द्वार है, तू अवध पर काल का कुंठित निठुर प्रहार है। आज से अनाथ मैं ले कर रहा हूँ अवज्ञा, तुझको नहीं दिखलाऊंगा मुख यही मेरी प्रतिज्ञा। तुझको नहीं दिखलाऊंगा मुख यही मेरी प्रतिज्ञा। इतिहास याद करेगा इस भरत के संवाद को,
क्षमा युग न करेगा कहके इस आघात को, क्षमा युग न करेगा कहके इस आघात को। बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। तीसरा भाग हम जल्दी ही लेकर आएंगे और उसमें हम आपको कैकेयी के पक्ष में कुछ बातें ज़रूर बताएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड कमेंट फॉर सो दैट वी कैन मेक अ बेटर वीडियो नेक्स्ट टाइम एंड वी कैन रिसाइट इट बेटर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।